हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको लेटेस्ट न्यूज दे रही हूँ रिगार्डिंग दैट ऑफ केवीएस। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो भी अपने बच्चों का एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे उनकी लिस्ट को देखेंगे और उसके बाद एडमिशन फी को आप कैसे पे करेंगे, ये सब मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको केवीएस वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो उसमें एक ये नोटिस मिलेगा रिगार्डिंग दैट ऑफ एडमिशन। इसमें देखिए, अब आप जो ये बड़े चिंता हो रही है कि किस जोन का रिजल्ट कब आएगा, तो इसमें ये जानकारी दी हुई है कि 11 अगस्त को आपका ये जो वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा रिजल्ट। और रिजल्ट जो है वो 11:30 से 12:30 बजे के बीच में जो रिजल्ट होगा वो अपलोड होगा। अलग अलग जोन दिए हुए हैं, उनके रिजल्ट टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा। अगर मान लो आपका उस टाइम पे रिजल्ट नहीं शो हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार वेबसाइट बिजी हो जाती है, इस वजह से रिजल्ट शो नहीं होता है। जैसे देहरादून, जयपुर, मुंबई, रायपुर, इनका रिजल्ट 11:30 से 12:30 बजे तक अपलोड होगा। दिल्ली, हैदराबाद, सिलचर, वाराणसी, इनका 12:30 से 1:30 बजे तक। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल और तिनसुकिया, इनका 1:30 से 2:30 बजे तक। और आगरा, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची, इनका रिजल्ट 2:30 से 3:30 बजे तक। चंडीगढ़, इरनाकुलम, गुरुग्राम, गुवाहाटी, 3:30 से 4:30 बजे रिजल्ट आएगा। और चेन्नई, जबलपुर, जम्मू, लखनऊ और पटना, इनका रिजल्ट 5 से 6 बजे से तक रिजल्ट आएगा। वंस अगेंस्ट टू अडेयर द टाइम शेड्यूल फॉर स्मूथ परफॉर्मेंस, इसलिए ये बोला गया है कि जो टाइम शेड्यूल दिया है उसके अकॉर्डिंग ही अपना रिजल्ट सर्च करने का कोशिश करें, अदरवाइज किसी को भी रिजल्ट ढंग से नजर नहीं आएगा। तो ये पोर्टल पे वेबसाइट पे रिजल्ट की अपडेट आई हुई है। अब उसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना होगा वो करना होगा फी पेमेंट। और फी पेमेंट के लिए आपको जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसमें ही ऑनलाइन, क्योंकि कोविड-19 के चलते तो ऑनलाइन मोड में ही आप पेमेंट कर दें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए आपको इसका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे जाना होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे तो देखिए ये क्लिक आएगा ऑनलाइन पेमेंट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मैंने ओपन कर लिया, उसमें आएगा ऑनलाइन बैंकिंग, फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट में देखिए ये बना हुआ है फी पेमेंट, ऑनलाइन फी कलेक्शन फॉर केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें रीड मोर आगे करेंगे हम तो इस टाइप से एक लिंक जो है वो ओपन होगा। लिंक ओपन होगा तो इस टाइप से ये लिंक ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें फीचर दिए हैं, एंटायर फी ऑल विद्यालय पैन इंडिया विल बी कलेक्टेड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जितनी फीस है केंद्रीय विद्यालय की वो सारी की सारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ही कलेक्ट होंगी। फी कैन बी पेड थ्रू ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मेड। फी जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से आप पे कर सकते हैं। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जाकर वहां पर भी पे कर सकते हैं। और स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्टैक होल्डर ऑफ केवीएस कैन बी पेमेंट ऑफ देयर विद्यालय फी थ्रू एनी क्रेडिट कार्ड, किसी भी क्रेडिट कार्ड से, किसी भी बैंक डेबिट कार्ड से और किसी भी इंटरनेट बैंकिंग से आप फी को पे कर सकते हैं। और स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्टैक होल्डर ऑफ केवीएस कैन मेक पेमेंट ऑफ देयर विद्यालय फी थ्रू एनी बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इन देयर स्मार्टफोन। और किसी भी मोबाइल बैंकिंग से भी आप फी पे कर सकते हैं स्मार्टफोन के थ्रू, लेकिन आपको करनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। और स्टूडेंट, पेरेंट्स, स्टेक होल्डर ऑफ केवीएस कैन विजिट एनी ब्रांच ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अक्रॉस द कंट्री फॉर पेमेंट ऑफ विद्यालय पे। किसी भी कहीं भी कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री ऑफ इंडिया में आप कहीं से भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में फी पे कर सकते हैं। और इजी रिकंसिलेशन ऑफ आवर विद्यालय, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ फी ऑफ एवरी स्टूडेंट। तो इसलिए ये सब सारों की सारी फ्रिक्वेंटली फी जो है वो काउंट हो जाए, सब हो जाए। तो एक बैंक चूज किया है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हुए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो वो मिलती रहे। और उसके बाद में देखिए, ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझा दी। मे के पेमेंट में स्टूडेंट यूनिक आईडी, जब आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें यूनिक आईडी जनरेट हुई थी, वे यूनिक आईडी फिल करेंगे, देन ए डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, फिर देन कैप्चा, जैसे ये P3HNJJ ये लिखा हुआ है, जो कैपिटल में वो कैपिटल में, जो स्मॉल में है स्मॉल में, लॉग इन कर लेंगे। जैसे ही आप इसे लॉग इन करेंगे, क्योंकि अब मैंने फिल नहीं किया है क्योंकि मैं किसी का डेटा नहीं देना चाहती हूँ, तो आप जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा फी पेमेंट का। और जैसे आप ऑनलाइन
शॉपिंग करते हैं, जैसे भी जो भी करते हैं, तो उसमें ऑनलाइन पेमेंट होती है, उसके थ्रू आप इसमें ऑनलाइन पे कर देंगे जैसे ही आपके एग्जाम का रिजल्ट आता है। दिस इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ऑफ KVS। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।